नमस्कार मित्रों, स्वागत छे तमारू मारी यूट्यूब चैनल में मेहुल मावाणी एज्युकेशन एंड कल्चर। जो मित्रों तमे आ चैनल ऊपर नवा हो तो प्लीज मित्रों चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करजो, एटले कि वीडियो नी नीचे आपेलू सब्सक्राइब नु लाल बटन दबावी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करो, जेथी नवा वीडियो लईने आवो तो तमारा सुधी झड़पथी पहोंची शकू। मित्रों आजे आपणे आ वीडियो में जोशू धोरण 7 विषय हिंदी सेकंड सेमिस्टर एटले कि द्वितीय सत्रना एकम 7 बढ़े कहानी। आ एकमनी समझूनती अगे मित्रों आपणे चर्चा करीशुं। तो मित्रों वार्ता सांभळवी आपणने सौने गमे छे। तो मित्रों आ एकममां मोटे भागे आपणे वार्ता ज लखवानी छे, कहेवानी छे अने समझवानी छे। तमे आ एकममां केवी रीते वार्ता लखवी, केवी रीते वार्तानुं शीर्षक आपवुं, केवी रीते वार्तानो बोध लखवो वगैरेनी सुंदर माहिती मित्रों आपणने आ एकममां आपेली छे। तो मित्रों बढ़े कहानी एकममां आपणने सौ प्रथम एक कौवा अने मुर्गीनी वार्ता आपेली छे, परंतु वाक्यमां अमुक अमुक जग्याए शब्दों माटे खाली जग्या आपेली छे। तो आपणे सौ प्रथम એ વાક્ય રચનાને સમજવાની છે અને કયો શબ્દ આવશે તે શબ્દો આપણે પૂરી કહાનીને વાર્તાને પૂરી કરવાની છે। તો મિત્રો અહીં આપણને કુલ 7 પરિચ્છેદ એટલે કે ફકરા આપેલા છે, સાથે સાથે 7 ચિત્રો પણ આપેલા છે, જે ચિત્રોને સમજીશું અને જે ફકરા પરિચ્છેદમાં જ્યાં ખાલી સ્થાન છે ત્યાં કને આપણે તે વાક્યને અનુરૂપ અર્થસભર વાક્ય બને તેવા શબ્દો મૂકીશું। तो शुरू करिए मित्रों बढ़े कहानी मां आपेली वार्ता मां केवी केवी खाली जग्या पूरी करवानी छे। तो मित्रों वीडियो शुरू करता पहला जो तमने आ वीडियो गमे तो प्लीज मित्रों आ वीडियो ने लिंक तमे तमारा अन्य मित्र सुधी पण शेयर करजो, साथे साथे लाइक करजो अने खास सब्सक्राइब करवानु तो चूकता नहीं। अने कोई पण प्रश्न मां समजण ना पड़े तो कॉमेंट बॉक्स मां कॉमेंट जरूर थी करजो, जेथी नवा वीडियो लईने आवू तो तमारा प्रश्नोना उत्तरो आपी शकू। जोईए मित्रों कहानी। कहानी एटले के वार्तानी शरूआतमां मित्रों आपणने अहीं शीर्षक आपेलुं छे कौवा और मुर्गी। मित्रों त्यारबाद आपणने सूचना आपी छे कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। तो मित्रों पहलो फकरो पहलो परिच्छेद આપણે સમજતા જઈશું અને આપેલી ખાલી જગ્યાને પૂર્ણ કરતા જઈશું। શરૂ કરીએ। કૌવા ઓર મુર્ગી દોનો એક ઘર મે ખાલી જગ્યા થે, તો ખાલી જગ્યામાં મિત્રો લખશું રહેતે। કૌવા ઓર મુર્ગી દોનો એક ઘર મે રહેતે થે। આગળની ખાલી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા દાના લાતા થા, તો ખાલી જગ્યામાં લખશું કૌવા। પછી આગળ છે, ખાલી જગ્યા ભી દાના લાતી થી, તો ખાલી જગ્યામાં લખશું મુર્ગી। આગળ એસે કરતી કરતી ઘર મે બહુત ખાલી જગ્યા જમા હો ગયા, તો ખાલી જગ્યામાં લખશું દાના। આગળ એક દિન કૌવે ને ખાલી જગ્યા મે ચાવલ લેને ખાલી જગ્યા હું, તો એક દિન કૌવે ને કહા મે ચાવલ લેને જાતા હું। પહેલી ખાલી જગ્યામાં કહા અને બીજી ખાલી જગ્યામાં જાતા લખશું। આગળ તું ઘર કા ખાલી જગ્યા બંધ રખના, નહીં તો કોઈ ખાલી જગ્યા લે જાયેગા, તો ઘર કા પછી દરવાજા શબ્દ લખીશું અને કોઈ પછી દાના અને છેલ્લે લે જાયેગા જાયેગા શબ્દ લખીશું। તો મિત્રો આ રીતે પ્રથમ પરિચ્છેદ પ્રથમ ફકરું ખાલી જગ્યા વ્યવસ્થિત રીતે અર્થસભર વાક્ય બને તે રીતે શબ્દો પૂરી પૂર્ણ કરીશું। આગળનો બીજો ફકરો જોઈએ મિત્રો। બીજો ફકરો આપે છે મિત્રો જેમાં ઘોડો આવે છે। થોડી દેર બાદ એક ઘોડા ખાલી જગ્યા, તો ખાલી જગ્યામાં લખશું આયા। ખાલી જગ્યાને કહા, તો ઉત્તર લખશું ઉસને। મુર્ગી મુર્ગી દરવાજા ખાલી જગ્યા ઓર મુજે દાના દે, તો દરવાજા પછી આપણે શબ્દ મૂકીશું ખોલ, ખોલ શબ્દ મૂકી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરીશું। આગળ ખાલી જગ્યાને કહા, તો મુર્ગીને કહા નહીં નહીં મેં દાના
खाली जगह खाली जगह तो नहीं दूंगी ए रीते वाक्य पूर्ण करीशु। खाली जगह ने कहा तो घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे खाली जगह दे तो खाली जगह में लक्षु दाना। मुझे बहुत खाली जगह लगी है तो खाली जगह में शब्द मुकीशु भूख। मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए तो उत्तर लक्षु घोड़े घोड़े को दे दिए। आ रीते बीजो फकरो बीजो परिच्छेद पूर्ण करीशु। आगळ जोईए त्रीजो परिच्छेद त्रीजो फकरो। अब खाली जग्या वह खाली जग्या सोचने लगी तो खाली जग्या में उत्तर लक्षु वह। कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत खाली जगह गई तो शब्द लक्षु घबरा। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई तो खाली जगह में शब्द लक्षु दाना। कौवे ने आवाज लगाई खाली जगह तू खाली जगह तो मुर्गी मुर्गी तू कहां है। पहली बनने खाली जगह में मुर्गी शब्द मुकीशु अने छेले कहां है शब्द मुकीशु। डर के मारे खाली जगह चुप रही तो उत्तर लक्षु मुर्गी मुर्गी चुप रही। एक आवाज भी नहीं निकाली। तो मित्रों आ रीते फकरो त्रीजो परिच्छेद त्रण पूर्ण करीशु। आगळ वधीए चौथो फकरो छे मित्रों जे आपणने 41मा पेज नंबर ऊपर पहेलो आपेलो छे। जोईए मित्रों उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे मुझे दाना खाली जगह है तो खाली जगह में उत्तर लक्षु पिसना। कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में खाली जगह है तो नहीं है। तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले तो खाली जगह में उत्तर लक्षु दाना। तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। छेली खाली जगह दाना ले आई और पीसने को बैठी तो बिल्ली उत्तर लक्षु बिल्ली बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। तो आ रीते चौथो फकरानी खाली जगह पूर्ण करीशु। आगळ जोईए पांचमो परिच्छेद पांचमो फकरो। पांचमो फकरो छे मित्रों बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला तो उत्तर लक्षु चक्की मा। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला तो पहली खाली जगह में बिल्ली अने बीजी खाली जगह में लक्षु चक्की। तो वाक्य आ प्रमाणे बनशे बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। आगळ खाली जगह ने उसे भी चट खाली जगह तो पहली खाली जगह में मुर्गी अने बीजी अने अंतिम खाली जगह में कर लिया ए रीते खाली जगह पूर्ण करीशु। तो मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। आगळ बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला तो खाली जगह में लक्षु पीसने। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत खाली जगह हुई तो उत्तर लक्षु दुखी। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। तो मित्रों आ रीते पांचमा परिच्छेदनी खाली जगह पूर्ण करीशु। आगळ जोईए आगळनो परिच्छेद आगळनो फकरो આગળનો છઠ્ઠો પકડો છે મિત્રો ખાલી જગાને સારી વાત કૌવે કો બતાઈ તો ઉત્તર લક્ષુ બિલ્લી બિલ્લીને સારી વાત કૌવે કો બતાઈ કૌવા ભી બહુ ચકિત હુઆ કૌવા સોચને લગા દાના કહાં હોગા ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે ઉસને ચક્કી કે પીછે ખાલી જગા તો ખાલી જગ્યામાં શબ્દ મૂકશુ દેખા ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी
मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी, तो उत्तर लक्षु दाना। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी, उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था, उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। तो मित्रों आ रीते छठा फकरानी छठा परिच्छेदनी खाली जगह पूर्ण करीशु। हवे मित्रों जोईए छेल्लो अने अंतिम फकरो, अंतिम परिच्छेद। अंतिम परिच्छेद छे मित्रों, उसे देख कौवा हसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत खाली जगह, तो उत्तर लक्षु हसी। दोनों हसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई, तो उत्तर लक्षु हसी आई। वो हसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े, उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो मित्रों आ रीते आपणे सातमो फकरो पूर्ण करीशुं। तो मित्रों आ रीते आपेली कहानी, बढे कहानी नी जे खाली जग्याओ वाली वार्ता आपेली छे आपणने पेज नंबर 40 अने पेज नंबर 41 उपर, ते व्यवस्थित रीते समझीने पूर्ण करवानी छे। मैं अहीं सुंदर रीते व्यवस्थित रीते समझावी आ कहानी, आ वार्ताने पूर्ण करेली छे। आशा राखुं छुं के तमने आ वार्ता कहानी ने जे खाली जग्याओ पूर्ण करवानी छे ते व्यवस्थित रीते समझाई गई हशे। जो मित्रों तमने आ वीडियो गम्यो होय तो प्लीज मित्रों आ वीडियो ने शेयर करजो, तमे तमारा अन्य मित्रों सुधी पण आ वीडियो पहोंचाड़जो, साथे साथे लाइक जरूरथी करजो अने कमेंट बॉक्स में कमेंट पण जरूरथी करजो कि तमने आ वीडियो केवो लाग्यो। साथे साथे कोईपण प्रश्न में समझण ना पड़े तो पण कमेंट बॉक्स में कमेंट करजो, जेथी नवा वीडियो लईने आवो तो तमारा प्रश्नोना उत्तरो आपी शकूं। अने खास सब्सक्राइब करवानुं तो चूकता नहीं, एटले के वीडियोनी नीचे आपेलू सब्सक्राइब नू लाल बटन दबावी चैनल ने सब्सक्राइब जरूरथी करो, जेथी नवा वीडियो लईने आवुं तो तमारा सुधी झड़पथी पहोंची शकूं। तमारो खूब खूब आभार।